हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि सर, ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए कौन से मुझे रोड साइंस के बारे में पता होना चाहिए, कौन से मुझे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो अगर मैं सब बताने जाऊँ तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो बेसिक मैं आपको यहाँ पर कुछ पार्ट्स में वीडियो डिवाइड करके बताऊँगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा रोड साइंस के बारे में, कौन से रोड साइंस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए ड्राइविंग टेस्ट पास करने के पहले, और इवन अगर आप जब गाड़ी चला रहे हो, मैं भी चाहे टू व्हीलर, फोर व्हीलर या थ्री व्हीलर या कोई भी आप गाड़ी चला रहे हो, आपको ये रोड साइंस के बारे में पता होना चाहिए जो कि आपको हेल्प करेंगे आगे चल के। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं उनके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे मैंडेटरी साइंस के बारे में, मैंडेटरी रोड साइंस। उसमें सबसे पहला आता है, वो है स्टॉप सिग्नल, जो कि स्टॉप का जो रोड साइन होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, और अगर आप देखो तो वो बेसिक यही चीज़ बताता है कि यहाँ पे आपको स्टॉप हो जाना है, इसके आगे आपको जाना नहीं है और यहाँ पे आप रुक सकते हो, इसका मतलब ये है। इसके बाद जो दूसरा रोड साइन है वो है ट्राइंगल, जो कि इस तरीके से दिखता है, उल्टा ट्राइंगल, जिसको आप बोल सकते हो कि वो यूज़ किया जाता है गिव अवे, मतलब अगर कोई भी आपका रास्ते पे से गाड़ी जा रहा है तो आप दूसरी गाड़ी को पास थ्रू होने के लिए जगह दो। फिर उसके बाद जो तीसरा रोड साइन है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें अगर मैं आपको बोलूँ तो बोल सकते हो कि आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है, नो स्ट्रेट अहेड, आपको आगे जाना बंद है, अलाउड नहीं है, तो आप प्लीज़ उसको, उस जो रोड सिग्नल है उसको क्रॉस करने का कोशिश मत कीजिए। फिर इसके बाद ये कुछ इस तरीके से आता है, ये सेम सर्कल है बस उसके बीच में एक सिंगल लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि नो एंट्री। इस वीडियो में आप इस रोड साइन के अगर आपको दिख गया तो उसका मतलब ये है कि आपका जो व्हीकल है वहाँ पर जा नहीं सकता, एंट्री नॉट अलाउड, ओके। फिर इसके बाद है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो एक एरो जो है वो कैंसिल बता रहा है और एक एरो जो है वो बता रहा है कि राइट, तो मतलब आप वहाँ पे जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ से सिर्फ वन वे है और वहाँ से सिर्फ सिग्नल इनकमिंग ट्रैफिक है पर आउटगोइंग ट्रैफिक नहीं है, मतलब आप वहाँ पे जा नहीं सकते, सिर्फ वहाँ से ट्रैफिक आ सकता है। फिर उसके अलावा सेम उसमें रिवर्स पोजिशन है, तो आप सिर्फ वहाँ पर जा सकते हो, वहाँ से कोई व्हीकल आ नहीं सकता, तो ये दो चीज़ है बेसिक। फिर इसके बाद जो ये बोथ अगर दोनों डायरेक्शन इस तरीके से कैंसिल हुए तो उसका मतलब से कि आप जा भी नहीं सकते और आप वहाँ से आ भी नहीं सकते। तो दोस्तों, इसका बेसिक एक चीज़ मैं आपको बता दूँ तो नो स्ट्रेट अहेड और ये जो है आपको दिख रहा है उनके बीच में डिफरेंस है, तो ये रोड जो है वो मे बी वो टेम्पररी बंद है, आप आगे जा नहीं सकते, आप वहाँ से आ नहीं सकते, तो वैसा चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है, मे बी यहाँ आगे कुछ ज़्यादा ही रिस्क है उसके वजह से यूज़ हो रहा है ये चीज़। उसके बाद है जैसे आपको ये कार और बाइक पे कैंसिल दिखा रहा है, उसका मतलब कि जितने भी सारे मोटर व्हीकल्स है वो उस रोड पे जाना अलाउड नहीं है, मे बी हो सकता है कि वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ के वजह से है, मे बी वो आर्मी का रोड है, मे बी किसी और चीज़ का रोड है, या फिर किसी और पर्टिकुलर चीज़ के वजह से वो बंद किया गया है, तो वैसा है। और अगर आपको ऐसा चीज़ दिखा जैसे कि मोटरसाइकिल के ऊपर कैंसिल मार्क आया, इसका मतलब है कि वो रोड पर मोटरसाइकिल जाना अलाउड नहीं है, आप वहाँ पर मोटरसाइकिल लेके जा नहीं सकते, तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे सिचुएशन में आप जाइएगा नहीं, वहाँ पर आपको फ़ाइन होगा और फिर आपको बोल सकते हैं कि अगर आपने नहीं दिया तो फिर आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे एक चेक मार्क भी हो सकता है। फिर दूसरा जो आइकन है ऑफिशियली वहाँ पे आपको दिख रहा है कि कैंसल नो बाइसिकल्स, आप वहाँ पे बाइसिकल्स लेके नहीं जा सकते। फिर जो ट्रक दिख रहा है उसका मतलब है कि नो हैवी व्हीकल्स अलाउड ओवर देयर, मतलब अगर आप हैवी व्हीकल्स लेके वहाँ पे गए तो अगेन वही सेम चीज़ है जैसे मोटरसाइकिल के लिए है, फिर वैसे ही सेम चीज़ है कि यहाँ पे कार्ट के लिए। अभी दोस्तों इंडिया में आप सोचोगे कि कार्ट कहाँ पे मुझे दिखता है, लेकिन ऐसा बहुत सारा जगह होता है दोस्तों, अगर आप सिटीज़ को छोड़ के कहीं और जाओ तो वहाँ पर कार्ट ही चलती है आजकल, बोल सकते हैं बैलगाड़ी, तो अगर बैलगाड़ी को भी किसी किसी जगह पर जाना अलाउड नहीं होता है, जैसे हाईवे ट्रैफिक हो गया या फिर स्पेशल ट्रैफिक, तो वैसे जगह पर। फिर ये जो है दूसरा उसका साइन है कि नो पेडेस्ट्रियंस, मतलब लोग वहाँ पर से रोड क्रॉस नहीं कर सकते, ये ऐसा बहुत जगह पर होता है, स्पेशल हाईवे पर होता है और मोस्टली एक्सप्रेसवे पे होता है। फिर इसके बाद है टर्न के ऊपर कैंसिल दिया है, इसका मतलब कि आप वहाँ से लेफ़्ट टर्न नहीं ले सकते, सो प्लीज़ दोस्तों वहाँ से जहाँ पे भी ऐसा साइन है वहाँ पे लेफ़्ट टर्न लेने का ट्राई मत कीजिएगा। और दूसरा चीज़ है नो राइट टर्न, सेम उसी ऑपोजिट चीज़ में है कि आप राइट टर्न नहीं ले सकते। फिर उसके बाद है यू टर्न, तो मतलब ये जगह से आपको यू टर्न लेना अलाउड नहीं है, मे भी हो सकता है सामने से इनकमिंग ट्रैफिक है वो आपको हिट कर दे और एक्सीडेंट हो जाए, तो इसके लिए ये सारे रोड साइंस बनाए जाते हैं और दिए जाते हैं। फिर दूसरा जो है दिख रहा है उसमें
साइंस बता रहा है ये कि आप अपने गाड़ी से लेके ओवरटेक वहाँ से नहीं कर सकते, और अगर ओवरटेक किया आपने तो मे भी हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। तो प्लीज़ ऐसे चीज़ों को फॉलो कीजिए। फिर यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे 40 दिखा है सर्कल के अंदर, 40 कभी कभी 50 होता है, कभी कभी 80 होता है, कभी कभी 60 होता है, और कभी कभी कुछ अलग चीज़ें होती है, 20 और 10 भी होता है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि इस रोड पर इतना किलोमीटर पर आर का स्पीड ही अलाउड है, इससे ज़्यादा स्पीड आप गाड़ी मत चलाइएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा स्पीड अगर आपने गाड़ी चलाया तो मे भी हो सकता है रोड का कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, और मे भी हो सकता है कि वो रोड जो है उतना अच्छा डेवलप नहीं है, या फिर हो सकता है आगे चल के कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए। तो मोस्टली जो ट्रैफिक अथॉरिटी है उस रोड का कंडीशन देख के ये जो साइन बोर्ड है वो डाल देते हैं, मे भी हो सकता है आगे ट्रैफिक सिग्नल हो, तो कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद आपको ये दिख रहा है 17+T या फिर 10+T या फिर 15+T ऐसा समथिंग कुछ भी कभी भी आएगा। तो उसका मतलब ये है कि ये जो रोड है मोस्टली ये ब्रिजेस और उसके आसपास होता है, तो ये जो रोड या जो ये जो ब्रिज है यहाँ पे मैक्सिमम लोड जो है या मैक्सिमम जो ट्रक का वेट है या गाड़ी का वेट है वो 17 टन्स या फिर 18 टन्स या फिर 15 टन्स उतना ही है, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है, तो वो चीज़ है। फिर दूसरा आपको दिख रहा है 3.5 m, फिर 5 m, ऐसा बहुत सारे रोड सिग्नल्स होंगे अलग अलग से, तो वो बेसिकली हाइट से रिलेटेड है। तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल्स और कार को तो ये चीज़ मोस्टली प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन ट्रक्स के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3.5 मीटर से ज़्यादा अगर हाइट हुआ ट्रक का तो ट्रक वहाँ से पास थ्रू नहीं हो सकता है, तो बेसिकली उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। फिर इसके बाद है 10 m, और यहाँ पे ट्रक का साइन दिखा है, इसका मतलब ये है कि जो भी आपका गाड़ी है, जो भी आपका ट्रक है या व्हीकल है बड़ा वाला, उसमें मैक्सिमम जो लेंथ लिमिट है वो 10 मीटर्स है। दोस्तों ये मोस्टली हिली रोड्स पे होता है, जहाँ पे जो बोलते ना कि ट्रक जो है वो ट्रक मोस्टली ट्रक ही, क्योंकि बस को तो छोड़ दो, बस भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, पर फिर भी 10 मीटर्स मतलब कम से कम 30 फुट के आसपास, तो उतना बड़ा एरिया जो है उतना टर्निंग लेने के लिए अलाउड नहीं है। तो अगर आपने लिया तो मे भी हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसके लिए वहाँ से आपको नहीं जाना चाहिए। फिर उसके बिना यहाँ पे आपको दिख रहा है एक एक्सल दिख रहा है और वहाँ पे नीचे 40 दिख रहा है, इसका मतलब ये चीज़ है कि मैक्सिमम यहाँ पे जो वेट लिमिट है वो 4 टन का है, इससे ज़्यादा आप वहाँ से गाड़ी नहीं चला सकते, तो ये एक चीज़ और भी है। फिर इसके बाद ये हॉर्न है और उसके ऊपर कैंसल मार्क है, इसका मतलब ये चीज़ है कि आप जो हॉर्न है ठीक है वो इस एरिया में बजा नहीं सकते, तो आपको प्लीज़ आप वैसे जगह पे पास लाइट का यूज़ करो। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हॉर्न नहीं करना है तो क्या करना, तो उस टाइम पे आप पास लाइट का यूज़ करो, क्योंकि अगर आपने हॉर्न बजाया तो मे भी हो सकता है कि आपको फ़ाइन देना पड़े, और ये मोस्टली ऐसा होगा जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, चर्चेस हो गए, टेम्पल्स हो गए, वैसी जगह पर मोस्टली ये साइंस आपको देखने मिलेगा। फिर उसके बाद है यहाँ पर जो आपको स्ट्रेट दिखेगा, ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है, मोस्टली ये इंडिया में आपको शायद से 0.001% साइन देखने मिलेगा, पर इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको अपना गाड़ी जैसे चलाना है आप वैसे चला सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली आपको थोड़ा ट्रैफिक और बाकी सब देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर इसके बाद है पी कैंसल, यानी कि आप वहाँ पे अपना गाड़ी जो है वो पार्क नहीं कर सकते, आपको अगर आपने पार्क किया तो RTO है जो है वो आपका गाड़ी टो कर लेगा, फिर आपको टोइंग चार्जेस और जो आपका फाइन चार्जेस वो देने पड़ेंगे। फिर ये जो सर्कल है उसमें एक्स दिया है, इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ पे स्टॉप नहीं करना, आपको वहाँ पे अपना व्हीकल खड़ा नहीं रखना है। मोस्टली ये हाईवेज पे होता है साइन, क्योंकि ऐसा सिचुएशन में अगर आपने अपना गाड़ी वहाँ पे गलती से खड़ा कर दिया तो पीछे वाला इनका जो ट्रैफिक है वो में भी आपको हिट कर सकता है और बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। फिर इसके बाद ये जो एरो दिख रहा है, इसका मतलब लोगों को ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को पता है कि टर्न लेफ्ट, यहाँ से जाके लेफ्ट टर्निंग आने वाला है, और फिर है राइट, तो यहाँ से जाके राइट टर्निंग आने वाला है। उसके बाद है सीधा, यानी कि ऑब्वियसली आपको कुछ भी हो जाए आपको स्ट्रेट ही जाना है, लेफ्ट या राइट टर्न नहीं लेना है। फिर इस आइकन का मतलब है कि आपको हमेशा लेफ़्ट में ही गाड़ी चलाना है और दूसरे जगह पे जाइए मत, आप लेफ़्ट साइड से ही गाड़ी चलाइए। फिर इसके बाद है आपको हमेशा गाड़ी राइट में चलाना है, बराबर। और फिर इसके अलावा ये जो इंडिकेशन है वो आपको बता रहा है ये कि आगे से राइट टर्न आने वाला है या लेफ़्ट टर्न आने वाला है, तो प्लीज़ आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो टर्निंग लेने के लिए, यानी कि आप अपने आपका स्पीड कम कर लीजिए ताकि आप इजीली टर्निंग ले पाओ, तो लेफ़्ट और राइट टर्न के लिए ये चीज़ था। इसके बाद ये जो सर्कल दिख रहा है, ये इसका मतलब ये है कि आगे जा के एक बोल सकते हैं ना कि सर्कल है, राउंड आप बोल सकते हो, राउंड जैसे सिग्नल होता है बड़ा वाला, तो वहाँ पे राउंड चीज़ है बड़ा,
ठीक है, तो आप वहाँ से आप आगे चल के ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत सारे सब चार चार रास्ते होंगे, बड़ा बड़ा ये कि ट्रैफिक सिग्नल होगा, तो आजू बाजू सब साइड से गाड़ियाँ आती रहेंगी, तो प्लीज़ उसके बारे में ध्यान रखिए। फिर उसके अलावा दोनों में से कोई भी एक साइड से आप जा सकते हो, वो उसका साइन है। फिर इसके बाद है बाइसाइकिल्स ओनली, तो ऐसी जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ बाइसाइकिल यूज़ करनी है और कोई भी व्हीकल आपको अलाउड नहीं है। तो दोस्तों ये था मैंडेटरी साइंस के बारे में। मैंडेटरी साइंस के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर कॉशन साइंस, ठीक है। कॉशंस यानी कि आगे चल के आपको उस चीज़ के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है वो ये है कि लेफ्ट कर्व, ठीक है, आगे चल के जो है वो बोल सकते हैं कि लेफ्ट कर्व आने वाला है। कर्व मतलब थोड़ा सा बड़ा होगा, लेफ्ट टर्न नहीं होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा टर्निंग आएगा। फिर वही सेम सिचुएशन में है राइट टर्व, ठीक है, तो राइट कर्व आएगा। तो मोस्टली जब आप हाईवे पे जाते हो या फिर हिली एरियाज में जाते हो तो वहाँ पे ये साइंस आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे। फिर दूसरा जो है वो बताता है आपको कि वहाँ पे छोटा ब्रिज है, तो प्लीज़ संभल के चलिएगा और आगे से अपनी स्पीड को भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है दूसरा आइकन जो कि आपको बताता है आगे चल के, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डबल रोड है, तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ ट्रैफिक आ भी रहा है, ट्रैफिक जा भी रहा है, लेकिन आगे चल के आपको सिंगल रोड मिलेगा, तो प्लीज़ उसके बारे में ध्यान रखिएगा। फिर आगे यही सेम चीज़ हाईवे पे ऊपर यूज़ होता है, सेम राउंड बोट के बारे में, ठीक है, तो आगे चल के सर्कल आने वाला है, तो प्लीज़ सर्कल से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। फिर आगे चल के एक ये जो चीज़ है वो सिग्नल के बारे में है, तो अगर आप ट्रैफिक या हाईवे पे जा रहे हो तो आगे चल के सिग्नल आने वाला, उसका इंडिकेशन है। फिर इसके बाद ये जो है वो आइकन बताता है कि आगे से ट्रेन जाने वाला है, तो ट्रेन का बैरियर है, तो प्लीज़ उसके बारे में ध्यान रखिएगा, अपने स्पीड को कंट्रोल कीजिए। फिर उसके बाद है लेवल ऑफ क्रॉसिंग विदाउट बैरियर हेड, मतलब आगे जो है, ठीक है, वहाँ पे जो कार है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे एक ऐसा पटरी है ट्रेन का जहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, तो ट्रेन कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, तो प्लीज़ आप उसके बारे में ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है जो इस तरीके का मतलब है कि दोस्तों आगे चल के स्पीड ब्रेकर्स नहीं है, आगे चल के ऐसा रोड है कि जो बोल सकते ना कि खाडा बोल सकते, बहुत सारे खड्डे हैं, उसमें आप अच्छे से नहीं चला पाओगे। तो मतलब अगर अच्छा रोड है, अच्छा रोड ख़त्म होने वाला है और कच्चा रोड चालू होने वाला है, तो ये साइन आपको दिखेगा। फिर उसके बाद है सिंगल लेवल क्रॉसिंग, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ दिखेगा, तो ये चीज़ जो है वो सिर्फ सिंगल आप बोल सकते हो कि एक साइड से ही सिर्फ क्रॉस कर सकते हो। फिर उसके बाद दूसरा जो है वो सेम चीज़ है, पर वहाँ पे आपको दिखा रहा है मल्टीपल क्रॉसिंग, मतलब आप यहाँ से लेफ्ट या राइट में आप जा सकते हो। फिर इसके बाद है ओके, तो यहाँ पे आपको ये साइन बताएगा कि आगे चल के क्रॉसिंग है एक 150 मीटर्स के, और फिर सेम दो साइंस आए तो वहाँ पे 100 मीटर्स और एक साइन आया तो 50 मीटर्स। तो दोस्तों ये सारे जो थे वो कॉशन साइंस थे, मतलब अगर ऐसे साइंस आ गए तो आपको हमेशा अपने आपको चतु बोल सकते हैं ना कि ध्यान से गाड़ी चलाना है और संभाल के रखना है। फिर उसके बाद जहाँ पे पी लिखा है, ठीक है, ये है इंफॉर्मेशन साइंस, जहाँ पे पी लिखा है मतलब आप अपना बाइक जो है, कार जो है, वहीं पे पार्क कर सकते हो। तो दोस्तों बेसिक जो थे इतने रोड साइंस हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, हो सकता है आई होप सो आपको ये सारे के सारे रोड साइंस हैं वो समझ में आ गए हो। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे पूछिएगा और कमेंट में आप बता सकते हो। नो मैटर आप कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, आप कुछ भी चला रहे हो, ठीक है, आपको ये चीज़ हमेशा हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ये सारी चीज़ें समझ पाए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सेफ वाइल राइडिंग एंड बाय बाय।